सीएम पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब की सियासत में अलग पहचान है। अमरिंदर सिंह अपने दम पर पार्टी में नई जान भी फूंक सकते हैं और सरकार की कमान भी संभाल सकते हैं, ये वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। राजनीति में कैप्टन को जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। सियासी उठापटक के बीच जिस अंदाज में कैप्टन अमरिंदर ने अपना इस्तीफा सौंपा, वो बता रहा है कि पंजाब की पॉलिटिक्स की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस में जान फूंकने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही अपने तेवर के लिए जाने जाते हों, लेकिन राजनीति में कैप्टन का बड़ा जनाधार है और इसी के दम पर वो भविष्य की राजनीति की संभावनाओं की बात कर रहे हैं। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोंगे? इट इज अपू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा, अपने लोगों से, और फिर मैं फैसला करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे क्या? क्या अमरिंदर नई सरकार आराम से चलने देंगे या सही समय आने का इंतजार करेंगे? क्या इस अपमान का बदला अमरिंदर सिंह कांग्रेस को तोड़कर करेंगे? क्या नई पार्टी बनाकर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे या पंजाब में अमरिंदर बीजेपी की कप्तानी संभालेंगे? Well, give me time. I have to see. लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि politics is not a static game. It is a moving game. And इसमें there is always options. And जो options होंगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। I have to go and see. 52 years में कितने politics के हमारे साथी बन जाते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके साथ में है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई असेंबली में है, कोई किसी, सबको डिस्कस करके फिर करेंगे। अमरिंदर आगे की राजनीति पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे, यही वजह है कि विरोधी भी इस मौके पर अमरिंदर के बजाय सिद्धू को निशाने पर ले रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। सच में राजनीति रुका हुआ खेल नहीं है। क्षेत्रीय क्षत्रप के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अमरिंदर सिंह की राजनीति का तरीका कुछ ऐसा ही है। 2017 विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की। तब अमरिंदर की अगुवाई में कांग्रेस ने न केवल अकाली दल को शिकस्त दी बल्कि आम आदमी पार्टी के सपने भी चकनाचूर कर दिए। अमरिंदर सिंह के विरोधी भले ही उनके इस्तीफे को अपनी जीत माने, लेकिन उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव कई बार आए। 1980 में सांसद के तौर पर उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। 1984 में स्वर्ण मंदिर में सेना की एंट्री के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 1985 में वो अकाली दल में शामिल हुए, फिर 1995 के चुनाव में लोंगोवाल से विधायक के तौर पर चुने गए। सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में वो कृषि मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने पंथिक अकाली दल का गठन किया जिसका 1997 में कांग्रेस में विलय हो गया। 1999 में अमरिंदर को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई और 2002 में वो पार्टी को फिर से सत्ता में ले आए। 2002 से 2007 तक अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। 2017 में पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और तब से वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे। अब सीएम पद से विदाई के बाद अमरिंदर के अगले कदम का इंतजार है, क्योंकि अमरिंदर का अगला कदम पंजाब की राजनीति की भविष्य की दिशा तय करेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।